धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सिलवर्धन सिंह जी, महानिर्देशक CISF, दर्शक दीर्घा में उपस्थित महामहिम राज्यपाल तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, सांसद बंडी संजय कुमार जी, CISF परिवार के सभी परिवारजन, और आज जिन्होंने परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे सभी जवानों को मैं आज CISF के 54वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि CISF की 54वें स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं, और ये जो वार्षिक परेड है वो पहली परेड है जो दिल्ली से बाहर भारत के गौरवमयी शहर हैदराबाद में हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फखर के साथ कह सकता हूं कि CISF के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर DGP तक सबने 53 सालों में CISF की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। अगर वो लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी बंदरगाहें, हमारी रेल लाइनें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और हमारी औद्योगिक इकाइयां, इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बात का विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगी। इसका सामना करने के लिए अपने आप को सुसज्जित कर राष्ट्र की सेवा में बाकी के 53 साल की तरह ही आगे देश की शताब्दी तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। ये संस्थान जहां पर आज की वार्षिक परेड का आयोजन किया है, उसको वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का भी ट्रॉफी मिला है। मैं सभी संस्थान को मजबूत करने वाले अधिकारियों को और DGP CISF को हृदय से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन महात्मा गांधी ने 1930 में 240 मील की ऐतिहासिक
दांडी मार्च शुरू की थी और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह ने दुनिया भर के आजादी के आंदोलन में एक नया इतिहास बनाया। किस तरह एक लाठी भी उठाए बगैर इतने बड़े साम्राज्य को पराजित करकर असहयोग, अहिंसा, ये सिद्धांतों के आधार पर कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। मित्रों, 1969 से लगभग 3000 बल के सदस्यों की संख्या से CISF की स्थापना हुई, तब से लेकर 53 साल में आज CISF 170,000 की नफरी तक पहुंचा है। मैं CISF के सभी कर्मियों को, अधिकारियों को और DG CISF को भी कहना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री के नाते बहुत स्पष्ट देख रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में CISF के लिए विकास के बहुत मौके उपलब्ध होने वाले हैं और मैं आशा करता हूं ये नफरी अनेक गुना बढ़ेगी और देश की सुरक्षा के अंदर अपने आप को हमेशा की तरह समर्पित करेगी। इस डिजिटल युग में CISF ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम CISF ने किया है और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए CISF को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की है। आज CISF 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी CAPF में अकेला CISF है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। मैं इसके लिए भी CISF के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए CISF हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि CISF द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे एक टिप्पणी की कि CISF की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे CISF की भूमिका बढ़ने वाली है क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी, जहां पर आज CISF की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में CISF के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक टेक्निक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम CISF कर पाएगी। मित्रों, CISF की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहाँ पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब विश्व
सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका निभाते हुए कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे स्टेशनों पर और जहां जहां एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई वहां पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी अनुभव कराया है। और ये करते हुए कई सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपनी जान की बलिदान भी दी है। आज मैं इस मौके पर सीआईएसएफ की स्थापना से के लेकर अब तक जितने भी सीआईएसएफ कर्मियों ने बलिदान दिया है वो सभी को मन से श्रद्धांजलि देकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसी की नींव पर आज राष्ट्र सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रेसर हो रहा है। वृक्षारोपण के मामले में भी विगत 4 साल में सीआईएसएफ ने 3 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और समर्पण को एक बहुत जागरूक तरीके से इसका निर्वहन किया है। इसके लिए भी मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1200 से ज्यादा सफाई अभियान चलाए गए और सीआईएसएफ ने पूरी तन्मयता के साथ स्वच्छता अभियान को एक लोकभोग्य अभियान बनाना और स्वच्छता अभियान के संस्कार को पूरी जनता में पहुंचाने का एक प्रयास किया है। और जब देश के अंदर आजादी का 75वां सालगिरह मना रहे थे, पूरा देश हर घर तिरंगा के अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा था, उस वक्त सीआईएसएफ ने भी 5 लाख से ज्यादा तिरंगा अनेक घरों पर, अनेक संस्थानों पर और बल के हर एक इंस्टीट्यूशन पर लगाकर हर घर तिरंगा को भी सफल करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सीआईएसएफ ने नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी में भाग लेते हुए भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई को भी श्रद्धांजलि देने का काम किया और इससे भारत की एकता और अखंडता का बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPFs और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं, परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की CAPFs ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टॉवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें CAPF की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज CISF के सभी जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, तेजी के साथ बढ़ती हुई, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमने देश की औद्योगिक शांति को, देश के औद्योगिक संस्थानों को, देश की खदानों को, सारी बंदरगाहों को, सारे एयरपोर्ट्स को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारा है और आने वाले दिनों में संरक्षण और सुरक्षा
इसको गति भी देनी होगी और आपकी ऊर्जा से इसको आगे भी बढ़ाना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान CAPF के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक आयुष्मान CAPF कार्ड्स वितरित किए हैं और देश भर में स्थित लगभग 24,000 अस्पतालों में इसकी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था प्रदान की है। इसमें न केवल सुरक्षा कर्मियों को, CAPF के जवानों को, अधिकारियों को, उनके परिजनों को भी बहुत अच्छा सुविधा प्राप्त होने वाला है। आवास योजना के लिए भी हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2015 में 3100 करोड़ रुपए की लागत से 13,000 घरों को और 113 बैरकों को बनाने का काम किया। इसमें 2012 तक 11,000 मकान बन चुके हैं और 2026 तक 11,000 मकानों के अलावे और 28,500 मकान बनाकर हम जवानों के परिवारों के रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं और सेटिस्फेक्शन रेशियो को बहुत बढ़ाना चाहते हैं। सितंबर 22 को CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके आधार पर 6 माह के अंदर ही 2,17,000 कार्मिकों का पंजीकरण हो चुका है और सेटिस्फेक्शन रेशियो में एक साथ बहुत बड़ा उछाल आया है। जो आवास खाली पड़े रहते थे उस आवासों में किसी भी बल का जवान रह सकता है। ये कंसेप्ट ने हमारे आवासों की, निर्मित आवासों की उपयोगिता में बहुत बड़ी मात्रा में उनको देने में हमने सफलता प्राप्त की है। मैं आज CAPF के देश भर के जवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नवंबर 2024 तक आवास संतुष्टि का अनुपात हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 73% पर हो जाएगा, जो आजादी से अब तक सबसे ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय अनुग्रह राशि, विकलांगता अनुग्रह राशि और हवाई कुरियर सेवाओं के माध्यम से भी हमने कई सारे CAPF के जवानों की सेवा करने का निर्धारण किया है। मित्रों, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के भी कई सारे नियमों में हमने बदलाव किया है। वहां स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का भी बहुत बल देकर हमने देश की उद्योग को और अर्थतंत्र को गति देने का प्रयास किया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देश की औद्योगिक शांति, औद्योगिक सुरक्षा, देश की बंदरगाहें और देश के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करते हैं, तब आप ये मन में सुनिश्चित मानकर चलना कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी हैं। जिस देश के एयरपोर्ट और बंदरगाह सुरक्षित नहीं हो सकते, वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जाली नोट के स्मगलिंग से लेकर, नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग के से लेकर व्यक्तियों की घुसपैठ तक की, ये सारी चुनौतियों को पहुंचने के लिए, उनका सामना करने के लिए CISF ने अब तक एक उज्जवल इतिहास का निर्माण किया है और देश को सुरक्षा प्रदान की है। मैं आज बल के सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों को और DGCRPF को भी ये कहना चाहूंगा कि इसको उत्तरोत्तर हम बढ़ाते चले और देश को आश्वस्त करें कि जब तक CISF का एक जवान एयरपोर्ट पर खड़ा है, CISF का एक जवान बंदरगाह पर खड़ा है, CISF का एक जवान हमारी खदानों पर खड़ा है, तब तक देश की सुरक्षा के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं साच अर्थ में मानता हूं कि देश का गृह मंत्री के नाते मैं भी जब CISF डिप्लॉय हो जाती है, अपने आप को शांति का अनुभव करता हूं, निश्चितता का अनुभव करता हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर मोदी जी का जो लक्ष्य है, आजादी की शताब्दी जब मनाया जाए, तब देश हर क्षेत्र में, विश्व में सर्वप्रथम हो, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सब आज से ही पुनः अपने आप को देश की सलामती के लिए समर्पित करें। यही भाव के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।
फिर से एक बार 53 साल की उज्जवल इतिहास को सैल्यूट कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय।